इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे एड्रेस दे दिया हमने इसके, ये वही अभी हम वही लाइन लिख रहे हैं जो ऑलरेडी हम पीछे वहाँ एग्जांपल में देख चुके हैं, इसमें कुछ नया नया नहीं है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा एंड यहाँ पे हमने लगा दिए ब्रैकेट, और इसके बाद क्या था वहाँ पे, यहाँ पे इंटेंट हमने दे चुके हैं, और माय गॉड इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमें क्या देना था, पहले हमने ईमेल ऊपर दे चुके हैं, यहाँ पे क्या देना है हमें, सब्जेक्ट देना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ये आ चुका है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और मैंने यहाँ पे क्या दे दी सब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया सेमी कॉलन। ये अभी रेडमी क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे अभी कोई वैल्यू दी नहीं है, हमारा कहीं पे क्या नहीं है, कहीं पे इसका वेरिएबल नहीं बना हुआ, हमने इसको स्पेसिफाई अभी नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, इसलिए इसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नॉर्मल है, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी एक्टिविटी चेक करनी है जैसे हमने पिछली बार करी थी, कि वो है भी या नहीं, कुछ कोई वहाँ पे कोई एप्लीकेशन है भी जो हमारे इंटेंट को लेगा या नहीं। तो यहाँ पे क्या देंगे रिजॉल्व एक्टिविटी, और यहाँ पे क्या लिख कर देंगे गेट, ये पूरा सिंटेक्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो हमें बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम किसके उससे चेक कर लेंगे कि नल तो नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या करा स्टार्ट एक्टिविटी, एंड कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है हमें, इंटेंट वाली, राइट। तो यहाँ पे हमारा लगभग लगभग सब कुछ पूरा हो चुका है, इसके बाद हमें कुछ चीज़ें और चेक करनी होंगी। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले मैसेज आ गया है, ओके। तो फिलहाल इसमें ये तो वो हो गया जो हमारा एग्जाम्पल था, अब इसमें एक चीज़ और देखनी है हमें, मुझे यहाँ पे ये नहीं देना है, क्या नहीं देना, एक्चुअली हमें सब्जेक्ट देना नहीं है, हमें दो ही चीज़ें देनी है, एक तो एड्रेस देना है, और एक हमें क्या देना है, एक हमें बॉडी देनी है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम उसे डिलीट कर देंगे, एक हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वाले को डिलीट कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे होल्ड ऑन अ सेक, आई थिंक आई डिड रॉन्ग, यहाँ पर सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये सब्जेक्ट नहीं एड्रेसेस हमें डिलीट करने दे, क्योंकि सब्जेक्ट तो ओके, यस एड्रेस हमने ऑलरेडी, क्योंकि हमारा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हम क्योंकि अपने, क्योंकि जब हम ऑलरेडी भेजेंगे, नहीं भूलिया था कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है अपना ईमेल, तो जब आप ईमेल भेजोगे अपना ऑलरेडी प्ले स्टोर में आपका लॉगिन होगा मेल एड्रेस, तो वो ऑलरेडी मेल एड्रेस गया है आपका, तो आपको उसको इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ये आ गया है, और एक दूसरी चीज़, अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में हमें ये तो नहीं लिखना सब्जेक्ट, हमें क्या देनी है जस्ट जावा ऑर्डर फॉर, राइट। ये दिखाना है ना हमें ऑर्डर समरी जो होती है हमारी, क्योंकि जावा के लिए हमारे ऐप के लिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट जावा ऑर्डर फॉर, एंड यहाँ पे हम इसकी क्या वैल्यू दे सकते हैं नेम, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, राइट। नेम क्यों दिया, आप इसमें थोड़ा सा सोचो क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ प्राइस मैसेज में क्या गया हुआ है नेम, और इसमें ऑलरेडी क्या है सब स्टोर्ड है, जो हमारे जितने भी इसमें नेम ऑर्डर होंगे, तो जब हमारा ये जाएगा तो क्या आएगा जस्ट जावा ऑर्डर फॉर ज़ैनफरान, और फॉर जिसका भी नाम होगा वो यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा चला गया नेम, अब इसमें एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, हमने सब्जेक्ट तो दे दिया, एक हमने उसमें पीछे ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, एक तो था हमारा सब्जेक्ट और एक था हमारा टेक्स्ट, तो सब्जेक्ट तो हमारा किसके लिए था, सब्जेक्ट के लिए, और जो टेक्स्ट वाला था एक्स्ट्रा अंडरस्कोर टेक्स्ट, वो किसके लिए था, बॉडी के लिए, राइट। तो ईमेल की बॉडी के लिए, राइट, कोई और बॉडी नहीं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट हमारा हो चुका है, अब क्या करेंगे हम उसके लिए लिखेंगे, किसके लिए, बॉडी के लिए। तो मैं इसी वाले इंटेंट को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी देके, यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इसको हटा दूंगा पूरे को, और यहाँ पे मैंने ये हटा दिया, और यहाँ पे क्या देना है हमें, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, बॉडी है, और बॉडी के लिए हमने क्या देखा था हमारा TEXT, यहाँ पे देखिए आ भी रहा है, और मैंने ऐसे ही क्योंकि सिलेक्ट कर लिया, वो भी
कोई इशू नहीं है। और इसमें टेक्स्ट में हमें बॉडी में क्या दिखाना है, जितनी भी हमारी ऑर्डर समरी थी वो दिखाना है। तो ऑर्डर समरी कहाँ स्टोर हो रही है, प्राइस मैसेज में जाके, राइट। तो मैं इसको नेम की जगह अगर मैं लिख दूं प्राइस मैसेज, तो ये क्या हो गया, मेरी जो वैल्यू थी वो स्टोर हो चुकी है यहाँ पे, राइट। अब ये कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व, वो अभी हम फिक्स कर लेंगे, राइट। तो यहां तक का तो हमारा हो गया है, क्या हो गया, प्राइस मैसेज आ गया हमारा, इसको हमने कॉल कर लिया है यहाँ पे। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे रिटर्न प्राइस मैसेज करा। ओके गाइस, यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई, मुझे याद है कि यहाँ पे रिटर्न प्राइस मैसेज कर रहा है, बट ऊपर जाके मैंने एक्चुअली यहाँ पे नाम चेंज कर दिया था, प्राइस मैसेज को मैंने प्राइस कर दिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस मैसेज की जगह यहाँ पे आएगा प्राइस, क्योंकि जो इस फंक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइस है, यहाँ पे इस प्राइस में ही तो सारी कैलकुलेट प्राइस की वो जा रही है, राइट, ये वाली। तो जो रिटर्न प्राइस वाला जो हमारा वैल्यू है, प्राइस मैसेज की जो वैल्यू है, वो रिटर्न होके कहाँ जा रही है, क्रिएट ऑर्डर, इसमें क्रिएट ऑर्डर समरी में। और ये जो क्रिएट ऑर्डर समरी है कहाँ, ये ऑर्डर समरी कहाँ जा रहा है हमारा, यहाँ पे, राइट, प्राइस में। तो इसलिए हम क्या लेंगे, ये लेंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल वही है। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या आ गया, प्राइस मैसेज आ गया, यहाँ पे नेम आ गया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस मैसेज में हमारे क्या आ गया था, क्रिएट ऑर्डर समरी ऑलरेडी आ गई थी हमारी, राइट, जिसमें नेम प्राइस हैज वेब क्रीम सब था। और यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज हमारा नीचे है, तो हमारी ऑलरेडी जितनी इंफॉर्मेशन थी ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी है, सारा हमारा क्रिएट हो चुका है। अब दो तीन चीजें और हमें देखनी है। आप ये देखो, रन करवाने से पहले एक चीज ये देखते हैं कि एक तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें डिस्प्ले मैसेज तो नहीं करवाना, हम ये डिलीट कर सकते हैं आराम से, राइट। इसके बाद और क्या हो सकता है, डिस्प्ले मैसेज ये वाला अब मेथड भी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। इसके बाद क्वांटिटी अभी यूज हो रही है, ये सब हो गया हमारा, ये यहाँ तक ये सब कुछ यूज नहीं हो रहा था, वो हमने डिलीट कर दिया। लेआउट में से जाके देख लेते हैं एक बार, लेआउट में क्या चीज़ हमारी यूज नहीं हो रही। लेआउट में अब हमारा जो ऑर्डर समरी है वो यूज नहीं होगा, राइट, ये यूज नहीं होगा और ये भी यूज नहीं होगा। तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ सिंपली। अब क्या हो जाएगा कि क्वांटिटी दी, ऑर्डर दिया, यहाँ पे एक टॉप मार्जिन और दे देते हैं इसको, बटन के ऊपर टॉप, सॉरी मार्जिन, मार्जिन टॉप, और यहाँ पे कितनी मार्जिन दे देते हैं हम, अबाउट 30 dp, ओके, और मे बी थोड़ी सी ज़्यादा 50 dp, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया हमारा, कोई ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ, हमने सिंपली क्या हटा दिया, जो यहाँ से जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ें हमने हटा दी हैं। यहाँ पे हमारी एक एरर शो कर रहा है कि अनएक्सपेक्टेड, ओके। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारा क्या है, ये मुझसे गलती से लग गया होगा। और इसी के साथ हमारी लगभग लगभग पूरा फाइनल जो हमारा वर्जन था, जो चीज़ें हमने क्यों रिमूव करी, क्योंकि वो अब हमें ज़रूरत नहीं है ऐप में। सिंपली अब हमें क्या, अपनी ऑर्डर समरी कहाँ सेंड करनी है, अपने मेल पे सेंड करनी है, तो हमें उसके लिए अब डिस्प्ले कराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जब मेल में जा रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ पे रन कर लूँगा और फिर देखते हैं कि क्या हमें सॉल्यूशन मिलता है। अब एमुलेटर रन होना शुरू हो गया है हमारा, और अब देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया हमारा ये रन हो चुका है, और जैसा हम देख सकते हैं इसको कि हमारा मेल आ गया, और ये जो हमारा सब्जेक्ट में था, सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, जस्ट जावा ऑर्डर फॉर कैप्टन कुनाल। दूसरी चीज़ अभी तक हमारी क्यों नहीं आई है, क्योंकि वो मैंने अभी तक उसे कमेंट आउट कर रखा था, तो उसे भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, जो हमारा बॉडी में क्यों नहीं दिखा रहा था अभी, सिर्फ हमारा अभी मैंने जब रन कराया मिलेटर, तो हमारा सिर्फ उसमें क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने इसे कमेंट आउट कर रखा था, ताकि हमें पता लगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं इसे भी रन करके एक बार दोबारा रन करके देख लेता हूँ, और देखते हैं क्या डिफरेंस, क्या हमारी बॉडी में जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन थी वो आई या फिर नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब क्या हो गया,
मेरा इम्यूलेटर रन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना सिर्फ हमारा सब्जेक्ट बल्कि अब हमारी बॉडी भी क्या आ गई है, यहाँ पे ईमेल में आ चुकी है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमें ये जो टैक्स वाला था, एक टैक्स वाला और एक ये, दो चीज़ें हमारी आ गई। यहाँ पे हमने दो चीज़ें, दो इंटेंट यूज करी नहीं, एक तो सब्जेक्ट वाला इंटेंट यूज करा था और एक कौन सा यूज करा था, टैक्स वाला इंटेंट, राइट। ये दोनों मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए थे कि कहाँ आपको अवेलेबल है, और आपको थोड़ी और डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी हो तो आप एंड्रॉयड के उस पर जाके गूगल के ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसे पढ़ सकते हो।